नमस्कार, मैं शशि मिश्रा। मेरे किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत ही टेस्टी हेल्दी है और स्वाद में बहुत ही अच्छा है। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ आलू का भुजिया। आप कहेंगे आलू का भुजिया तो हम भी बनाकर खाते हैं, लेकिन आलू के भुजिया कई तरह से बनाए जाते हैं। आलू मेथी, सिंपल आलू, लेकिन मैं जो बना रही हूँ वो है सरसों वाली आलू का भुजिया। जो ये सरसों मैंने रखा है, इसी को पीस कर पेस्ट बनाकर हम आलू का भुजिया बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर छोटे छोटे आलू मार्केट से लेकर आई हूँ। ये है लाल वाले आलू, बिल्कुल छोटे हैं, जिसको हम बेबी पोटैटोज बोलते हैं। तो इसको हम दो भाग में काटेंगे और काट कर इसका भुजिया बनाएंगे। इसके छिलके बहुत ही पतले होते हैं, आप चाहे तो छिलका हटा दें, ना चाहे तो नहीं हटाएं, लेकिन जो छिलके होते हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो मैं यहाँ छिलका इसका नहीं निकाल रही हूँ। तो इसके दो भाग कट करके हम साइड करेंगे। और मसाले तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर पीले वाली सरसों, जिसको मस्टर्ड बोलते हैं, लहसुन है, टमाटर है, तीनों को पीस कर मसाला तैयार करेंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है पंचफोरन तड़का लगाने के लिए, जिसमें है सौंफ, मेथी, काली सरसों, अजवाइन और जीरा, और कुछ मसाले यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम आलू को काट लेंगे भुजिया बनाने के लिए। मैंने आलू को दो भाग में काट लिया है, आप चाहें तो इसे चार भाग में भी काट सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल छोटे आलू हैं तो बिल्कुल पतले हो जाएंगे। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो बिल्कुल ये छोटे छोटे हो जाएंगे, फिर वो भुजिया का मज़ा नहीं आएगा जैसे हमने बनाना है। और ये है सरसों, लहसुन और टमाटर पीस कर मैंने इसका मसाला तैयार कर लिया, यानी पेस्ट बना लिया है। तो चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ाई लें या पैन लें, मैंने यहाँ पर पैन लिया। इसमें डालेंगे सरसों का तेल। सरसों के तेल में भुजिया बहुत ही अच्छा बनता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर सरसों का तेल डालकर अच्छे से मैंने इसको गर्म कर लिया है। बिल्कुल इसमें से धुआं निकलने लगा है, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और डालेंगे तड़का लगाएंगे इसमें पंचफोरन का। तो मैं यहाँ पंचफोरन डाल रही हूँ और इसे हमें बिल्कुल ब्राउन होने तक भून लेना है। अब ये देखिए अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब इस आलूओं को इसमें हम डालेंगे और फ्राई ये आलू को इसमें डाल देंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और साथ ही इसमें हम नमक डाल देंगे ताकि जो आलू है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। नमक अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। और इसे हमें अच्छे से मिक्स करके और इसे ढक देना है। इसे हम ढक देंगे, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। एक बार चेक कर लेते हैं, ये देखिए इसमें कलर आने लगे हैं। और जो ये आलू है इसको हमें बिल्कुल 50% तक गलाना है, बिल्कुल ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना है और कच्चा भी नहीं रखना है। तो ये देखिए जितना हमें चाहिए ये आलू का भुजिया उतना 50% यानी ये गल चुका है। अब इसमें हम डालेंगे ये सरसों का पेस्ट जो मैंने बना कर रखा है। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें कोई सा जो भी मसाला मैंने रखा हुआ है ड्राई वाला अभी नहीं डालेंगे। अभी हम सरसों को पकने देंगे, क्योंकि सरसों अगर अच्छे से नहीं पकेगा तो इसमें जो कड़वापन है वो हमारे सब्ज़ी में आएगा, तो बिल्कुल सब्ज़ी कड़वी बनेगी। तो इसलिए हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे सरसों को अच्छे से भूनना है यानी पकाना है। तो मैं यहाँ ढक के इसको 10 मिनट और पकाऊंगी। जो सरसों का मसाला मैंने डाला था यानी उसका जो पेस्ट डाला था, बिल्कुल अच्छे से ये भून चुका है, बिल्कुल इसमें अब कड़वापन नहीं रहेगा। देखिए बिल्कुल सूख गया है। अब इसमें हम जो सूखे मसाले हैं डालेंगे, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और ये है अमचूर पाउडर। आप अगर खट्टा ज़्यादा नहीं खाते हैं तो अमचूर पाउडर ना डालें। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, लो नहीं रखेंगे, थोड़ा हाई करेंगे, थोड़ा मीडियम करेंगे, करके इसे अच्छे से फ्राई करना है। क्योंकि ये भुजिया है तो थोड़ा अच्छे से क्रंची बनना चाहिए, तो इसलिए गैस का जो फ्लेम है अब लो नहीं रखेंगे, मीडियम और हाई पर इसे हमें अच्छे से भून लेना है। ढकने की कोई ज़रूरत नहीं है, आलू अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। और लास्ट में डालेंगे ये जो गार्लिक चटनी है, इसको डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि अच्छे से ये आलू के ऊपर कोट हो जाए। और ऐसे ही हमें इसे अब
भून लेना है। ये देखिए अच्छे से मैंने इसको हाई और मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसे भून लिया है, यानी अच्छे से फ्राई कर लिया है। भुजिया बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, ये देखिए। तो अब हम इसमें डालेंगे, ये है कसूरी मेथी, थोड़ा सा डाल देंगे। आपको नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हैं। और बारीक कटी हुई थोड़ी सी धनिया डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर देंगे। भुजिया रेडी है, अब इसे हमें सर्व कर लेना है। चलिए, आपके लिए सरसों वाली आलू का भुजिया रेडी है। आप इसको खाइए, अपने घर में बनाइए। कमेंट करके बताइए कि आज की रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।